ब्रिटेन हर साल 18 तों 30 साल दे व्यक्तियों नूं वर्क वीजा प्रदान करेगा। जी हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक महत्वपूर्ण नवी इमीग्रेशन अते आवाजाई समझौते ते दस्तखत करन लई ब्रिटेन दी गृह मंत्री प्रीति पटेल नाल मंगलवार नूं लंडन विच मुलाकात की। जयशंकर ने कहा कि यह समझौता दोवां देशां विचाले मौजूदा संपर्क नूं होर मजबूत करेगा। ब्रिटेन दे गृह विभाग दे दफ्तर मुताबिक नवे समझौते नाल दोवां देशां दे 18 तों 30 साल दी उम्र 3000 लोकां नूं पेशेवर अते सभ्याचारक आदान प्रदान प्रोग्राम तहत 24 महीने तक एक दूजे देश विच काम करन अते रहन लई सुविधा मिलेगी। इस दे नाल उन्हां भारतीय नागरिकां दी वापसी दी प्रक्रिया विच तेजी आएगी जिन्हां दा ब्रिटेन विच रहण दा कोई जायज़ अधिकार नहीं है। इसे तरह ब्रिटिश नागरिकां दी वापसी दी प्रक्रिया भी सुगम होवेगी। इस दे नाल ही इस नाल संगठित इमीग्रेशन अपराध नूं लै के ज़्यादा सहयोगी यकीनी होवेगी। जयशंकर ने ब्रिटेन दी मंत्री नाल अपनी बैठक दीआं तस्वीरां नाल ट्वीट कीता है। गृह मंत्री प्रीति पटेल नाल अज इक उपयोगी बैठक हुई। इमीग्रेशन अते आवाजाई साझेदारी समझौते ते दस्तखत कीते जो कानूनी यात्रा विच सुविधा प्रदान करेगा, प्रतिभा नूं उत्साहित करेगा। उन्हें कहा कि इस दे नतीजे वजो भारत ते ब्रिटेन विचाले मौजूदा संपर्क होर मजबूत होणगे। समझौते ते एक सहमति पत्र दे रूप विच मोहर लगाई गई। यह मंगलवार नूं ब्रिटेन दे प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विचाले एक ऑनलाइन शिखर सम्मेलन विच बनी सहमति दे नतीजे विचों एक है। पटेल ने कहा कि भारत सरकार विच साडे करीबी सहयोगियों नाल इस महत्वपूर्ण समझौते नाल ब्रिटेन अते भारत दे हज़ारां नौजवानों नूं एक दूजे दे इत्थे रहण काम करन अते एक दूजे दे सभ्याचारां दा अनुभव करन लई नवे मौके प्राप्त होणगे। उन्हें कहा कि समझौता यह भी यकीनी करेगा कि ब्रिटिश सरकार उन्होंने लोगों नूं ज़्यादा आसानी नाल वापस भेज सकती है जिन्हों को ब्रिटेन विच रहण दा कोई अधिकार नहीं है अते इस नाल उन्हें लोगों खिलाफ़ कार्रवाई की जा सकेगी जो साड़ी व्यवस्था की गलत वरतों करते हैं। इस समझौते नूं दोवां देशों विचाले अपनी तरह का पहला समझौता दसिया जा रहा है। इस तहत दोवां सरकारां ने नौजवान भारतीय पेशेवर अते ब्रिटेन के नागरिकों नूं ज़्यादा गतिशील व्यवस्थावां नाल अवराई मिल सकेगी। नाल ही इस नाल लोकां नूं दोवां देशों विच 2 साल तक रहण अते काम करन दी इजाजत मिलेगी। ब्रिटेन दे गृह विभाग मुताबिक नवे अंकड़े मुताबिक पिछले साल भारत तों 53,000 तों ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ाई लई ब्रिटेन आए सन जो कि उस तों पहले साल तों 42% तक वध है। उसने कहा कि ब्रिटेन विच सारे कौमांतरी विद्यार्थियों विचों लगभग 1/4 भारत तों ने। ब्रिटेन विच गैर कानूनी भारतीय प्रवासियों का मुद्दा लंबे समय तो 2 पक्षी वार्ता के एजेंडे विच रहा है। दोवां पक्षों विच इसकी संख्या नूं लैके सहमति नहीं बन सकी। ब्रिटेन का कहना है कि देश विच लगभग 100,000 भारतीय गैर कानूनी रूप नाल रह रहे ने। पिछले समय विच भारत ने इस संख्या की सच्चाई दे सवाल चुके सी क्योंकि मन्या जांदा है कि इस अंकड़े विच भारतीय उपमहाद्वीप दे होर हिस्सों तों भी नागरिक शामिल ने। दोवें पक्ष 2018 विच इस मुद्दे ते एक समझौते ते दस्तखत करन दे करीब सन। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडोस टीवी, आस्ट्रेलिया।